नमस्ते गाइस, आशीष शेफ और नमस्ते टेक। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं Vivo के Y95 के टिप्स एंड ट्रिक्स। ये फ़ोन इंडिया में हाल ही में लॉन्च हुआ है और ये Funtouch OS के साथ आता है और इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स हैं। अगर आपने ये फ़ोन लिया है या लेने वाला है या प्लान कर रहे हैं कि मुझे ये लेना है, तो आपको इन टिप्स एंड ट्रिक्स को देख के ये आइडिया लग जाएगा कि इस फ़ोन में क्या क्या फीचर्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो पहला फीचर है उसके बारे में बताता हूँ, वो है स्प्लिट स्क्रीन। अगर आप अपने फ़ोन में दो ऐप्स को साइड बाय साइड यूज़ करना चाहते हैं तो आप स्प्लिट स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे अच्छी बात स्प्लिट स्क्रीन की है कि आपको कोई गेस्चर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ऐप खोलिए, इसको आप स्प्लिट स्क्रीन में लेके जाना चाहते हैं, एक्शन सेंटर को खोलिए और वहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन के बटन को दबाइए और वो ऑटोमेटिकली आपके ऐप्स को दो भाग में डिवाइड कर देगा। उसके बाद आप दो ऐप्स को चूज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गेस्चर यूज़ करना पसंद है तो आप किसी भी ऐप पे 3 फिंगर्स नीचे स्वाइप करिए और वो स्प्लिट स्क्रीन मोड में चला जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सारे ऐप स्प्लिट स्क्रीन नहीं सपोर्ट करते हैं, तो जो भी ऐप स्प्लिट स्क्रीन सपोर्ट करता है सिर्फ वही उस मोड में जाएगा। Y95 एक टॉल फ़ोन है, तो अगर आपको वन हैंड ऑपरेशन में कुछ दिक्कत हो रही है तो एक्शन सेंटर में आपको मिलता है वन हैंड मोड। जैसे ही आप उसको दबाएंगे, आपका जो मेन स्क्रीन है जिसमें कि सारे ऐप्स आइकन्स और सब कुछ दिखता है वो छोटा हो जाएगा। उसके बाद आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट रखने में और उसके बाद वन हैंड से बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये बात माननी होगी कि वीवो ने स्प्लिट स्क्रीन और वन हैंड मोड दोनों ही बहुत ईजी तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। Y95 में आपको मिलता है ऑन स्क्रीन नेविगेशन गेस्चर। इसका मतलब ये हुआ कि आप 3 बटन की जगह एक सिंगल बटन यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ गेस्चर्स यूज़ कर सकते हैं पूरे ऑपरेशन को करने के लिए। तो आप सेटिंग्स में जाके सिस्टम नेविगेशन में जाइए और गेस्चर को इनेबल कर दीजिए। उसके बाद आपको एक छोटा सा ट्यूटोरियल मिलेगा। उसमें ये होता है, अगर आप लेफ्ट मोस्ट पार्ट को स्वाइप अप करेंगे तो आपको एक्शन सेंटर दिखाएगा, राइट मोस्ट को करेंगे तो आप बैक जाएंगे फ़ोन में कहीं पर भी आप होंगे, बीच वाले को स्वाइप अप करेंगे तो आप होम स्क्रीन पर चले जाएंगे। अगर आपको मल्टीटास्किंग में जाना है तो बीच वाले में गेस्चर स्वाइप अप करके होल्ड करिए और आपको मल्टीटास्किंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ एक ऑप्शंस और हैं, जैसे कि अगर आप मान लीजिए लेफ्ट की जगह राइट रखना चाहते हैं तो आप उसे स्वैप कर सकते हैं। सिंगल लाइंस की जगह अगर आपको डॉट्स चाहिए तो आप डॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्टली, अगर आप फुल स्क्रीन के कोई ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपको 2 बार स्वाइप अप करना पड़ेगा नेविगेशन गेस्चर को इनेबल करने के लिए। कई बार होता है कि हमें WhatsApp यूज़ करना है या Facebook यूज़ करना है और मैसेजेस ऐसे हैं जो हम किसी को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जब आप मल्टीटास्किंग में जाते हैं तो वो सारे कंटेंट विजिबल होते हैं। अगर आप इसको ब्लर करना चाहते हैं तो Vivo ने इसमें ये फीचर डाला है। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, मोर सेटिंग्स पे जाइए और वहाँ पे इनेबल कर दीजिए ब्लर वाला फीचर, जो कि मल्टीटास्किंग या रीसेंट ऐप्स के लिस्ट में आता है। आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐप ब्लर करने हैं, और अगर कुछ ऐसे ऐप्स हैं जैसे कि फाइल सेव या और भी कोई जिसमें इंक्रिप्शन यूज़ होता है, उसके लिए भी ये ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हैं। Vivo ने कुछ गेस्चर्स बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किए हैं। पहला है स्मार्ट वेकअप, मतलब आप जब भी अपना फ़ोन उठाएंगे तो वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। उसके अलावा डबल टैप से आप स्क्रीन ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। ये सारे आपको सेटिंग्स स्मार्ट मोशन में मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना बहुत ही आसान है Vivo के फ़ोन में। आप सिर्फ 3 फिंगर स्वाइप अप करिए और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आप चाहे तो वॉल्यूम डाउन और पावर बटन यूज़ कर सकते हैं, बट 3 फिंगर स्वाइप से चीज़ें बहुत इजी हो जाती है। Vivo का फ़ोन बहुत ही फेमस है ब्यूटी मोड के लिए, उनके ब्यूटी मोड हर जगह है, तो वीडियो कॉल्स में क्यों नहीं। तो WhatsApp, Facebook, Messenger, इन सब में ब्यूटी मोड आप इनेबल कर सकते हैं Vivo के सेटिंग्स से। आप मोर सेटिंग्स में जाके इन ऑप्शंस को इनेबल कर दीजिए, जिस भी ऐप में आप चाहते हैं कि ब्यूटी मोड इनेबल हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप जब भी कोई कॉल करेंगे WhatsApp या Facebook तो आपको टॉप लेफ्ट में ब्यूटी मोड को एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। Y95 एक टॉल फ़ोन है और फुल स्क्रीन पर शायद सारे ऐप्स न चले। अगर आप चाहते हैं कि फुल स्क्रीन में सारे ऐप्स चले तो आप सेटिंग्स में जाके फुल स्क्रीन ऐप का एक सेक्शन खोजिए। वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले के अंदर आपको मिलेगा कि कौन कौन से ऐप जो है वो फुल स्क्रीन में सेलेक्ट हो सकते हैं ऑटोमेटिकली। अगर आप गेम बहुत खेलते हैं तो Y95 में जो भी असिस्टेंट के थ्रू एक गेम का फीचर है, वो आप सेलेक्ट कर दीजिए कौन से ऐप्स जो है गेम के लिए हैं। उसके बाद आप जब भी वो खेलेंगे तो आपको कोई भी तरह का
ऐप नोटिफिकेशन या इन कॉल रिमाइंडर इस तरह का कुछ भी नहीं आएगा और आप बड़े आराम से गेम खेल सकते हैं। लास्टली स्मार्ट मिररिंग का ऑप्शन मिलता है आपको Y95 में। अगर मान लीजिए आपके पास कोई टीवी है या कोई कॉन्सोल है जिसमें DLNA का सपोर्ट है, मतलब वो आपके फ़ोन से वहाँ पे कंटेंट दिखाने की पॉसिबिलिटी रखता है, तो आप सेटिंग्स में जाइए, स्मार्ट मिररिंग में जाके पहले नेटवर्क से कनेक्ट कर दीजिए अपने वाईफाई नेटवर्क से। जब आपका डिवाइस डिस्कवर हो जाएगा जहाँ पे ये सपोर्ट है, तो आप उसको सेलेक्ट करके वीडियोस, एप्लीकेशंस, म्यूजिक, इन सब को आप स्ट्रीम कर सकते। तो दोस्तों ये था वीवो के Y95 का टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपके पास ये फ़ोन है और आपको लगता है कि कुछ फीचर्स मिसिंग है तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको ये फ़ोन पसंद आ रहा है तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि कौन से फीचर्स जो हमने आपको अभी बताए हैं वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पे और भी वीवो के वीडियोस के लिए। देखने के लिए धन्यवाद।